आगामी लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार की अध्यक्षता वाली एनसीपी समीक्षा कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के हातकणंगले निर्वाचन क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार के रूप में प्रतीक जयंतराव पाटिल के नाम पर चर्चा की जा रही है। प्रतीक पूर्व एनसीपी मंत्री जयंत पाटिल के बड़े बेटे हैं। यही वजह है कि नाम पर चर्चाओं के साथ एनसीपी पर वंशवादी राजनीति के आरोप भी लगना शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 4 से 5 सालों में प्रतीक अपने पिता द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली इस्लामपुर विधानसभा सीट पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। प्रतीक के पिता जयंत पाटिल महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और शरद पवार गुट के एक मजबूत नेता हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वंशवादी राजनीति के आरोपों पर प्रतीक ने कहा, जब मेरे दादाजी का निधन हुआ था तो मेरे पिता अमेरिका में थे। जब वो वापस लौटे तो उनकी रुचि सभी काम निपटाने के बाद अमेरिका लौटने की थी, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि वो वहीं रुके और अधूरा काम करें, लेकिन राजनीति में कार्यकर्ता और उनकी भावनाएं सर्वोपरि हैं। प्रतीक ने कहा, अजीत पवार के बीजेपी और शिवसेना सरकार के साथ हाथ मिलाने के फैसले से एनसीपी में भले ही विभाजन हो गया हो, लेकिन मैदान पर कार्यकर्ता अभी भी शरद पवार के साथ हैं। उन्होंने कहा, बहुत कुछ जमीनी कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है। वे जानते हैं कि शरद पवार ने क्या काम किया है और उनके साथ उनके संबंध अभी भी मजबूत है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछे जाने पर प्रतीक ने कहा, मुझे लोगों से जुड़ने और गरीबी उन्मूलन में काम करने में अधिक रुचि है। उन्होंने कहा कि एक बैठक के दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मुझे हातकणंगले लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाए। मैं बस इतना ही जानता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 20।